आए दिन कुछ बाइक सवार आरोपी चलते बाइक पर महिलाओं के बैग छीनकर तत्काल आंखों से दूर चले जाते हैं। ऐसे आरोपियों को बेलतोरेड्डी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है। शहर में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व है जो बाइक पर सवार होकर महिलाओं की बैग छीनकर पलक झपकते ही 9-2-11 हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसी ये घटना फिरियादी निकिता पटले के साथ हुई है। निकिता अपनी सहेली के साथ हाथों में मोबाइल लेकर कैब बुक करने के लिए बात कर रही थी। उसी दौरान पीछे से काले रंग के पल्सर पर दो आरोपी आए और फिरियादी कुछ समझ पाती। आरोपी ने उनके साथ में रखी पर्स को उड़ा ले गए। पर्स में 4,000 नगद, महत्व के कागजात आदि रखे थे। फिरियादी ने बेलतोरेड्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते बेलतोरेड्डी पुलिस ने उन आरोपियों को अपनी स्टाइल में धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी रमेश अवधेश शाहू, शाहरुख बेग, वल्द वकील बेग और सर्वेश भागीरथी पटेल आदि आरोपियों पर अलग अलग थाने में ऐसी घटना की कई शिकायतें दर्ज है। बेलतोरेड्डी के PI आकोत इन्होंने BCN को जानकारी दी। पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर हद्दीत दोन मोबाईल स्नॅचिंगच्या घटना झालेल्या होत्या। त्याच्यामुळे आम्ही तांत्रिक माहिती व गुप्त बातमीदारामार्फत तपास करून याच्यामध्ये 3 आरोपींना अटक केलेलं, रमेश शाहू, दुसरा शाहरुख बेग आणि तिसरा सर्वेश पटेल, या तिघांकडून 25 मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहेत। पोलीस स्टेशन बेलतरुडीचे 2 गुन्हे आणि इतर पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे असे एकूण 5 रॉबरीच्या घटना उघडकीस आलेल्या आहेत। अजून तपास सुरू आहे आणि इतर मोबाईल कुठून स्नॅच केलेले आहेत त्याच्याबद्दल माहिती काढणं सुरू आहे, तपास सुरू आहे। आतापर्यंत 25 मोबाईल त्यांच्या 2 वापरलेल्या गुन्ह्यात वापरलेल्या 2 मोटरसायकल असं 5 लाखाचा माल जप्त करण्यात आला। दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो आप जरूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें, ताकि ऐसे आरोपियों को शहर की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कैमरा पर्सन विशाल बम्बटवार के साथ संजय मेरे, BC News नागपुर।